नमस्कार, कोको विधि में आपका स्वागत है। आज हम काजू कतली बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बाजार की तरह बनकर तैयार होगी, लेकिन इसकी कीमत बाजार से आधे से भी कम होगी। तो काजू कतली बनाने के लिए हमने 1 कप तरबूज के बीज ले लिए हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, ये रोस्ट हो चुके हैं। अब ये काजू हमने धो के और फ्रीज़र में 2-3 घंटे के लिए रख दिए थे। ये बिल्कुल ठंडे हैं। अब हम इनको एक जार में डालकर पीस लेंगे। काजू आप टुकड़े वाले भी ले सकते हैं और साबुत भी ले सकते हैं। हमें पीसना ही है तो हम टुकड़े वाले काजू का इस्तेमाल करेंगे। इस जार में डाल देंगे हम इनको, और इनको हम मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे, एक साथ नहीं चलाएंगे, नहीं इनका तेल निकल आएगा। अभी हमने इसको दरदरा सा पीसा है, अभी ज़्यादा बारीक नहीं किया है। ये देखिए दरदरा ये पीस कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने पानी डालकर इसका पेस्ट अच्छे से बना लिया है। अब दूसरे जार में ये तरबूज के बीज डालकर इसको हम पाउडर बना लेंगे। इसका वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये तरबूज के बीज का पाउडर पीस कर तैयार है। अब हम इसको एक छन्नी में डालकर छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी छिलके वगैरह हों और मोटे पार्ट्स हों वो अलग हो जाएं। तरबूज के बीज टेस्टलेस होते हैं, इसलिए काजू कतली में इनका कोई अलग से स्वाद नहीं आता है। बाकी और भी पीनट्स वगैरह या कोई भी बीज, उनका अलग से स्वाद पता चलता है। ये हमने सारा पाउडर छान लिया है। अब ये जो मोटा सा बचा है, अब हम इसको अलग रख देते हैं, इसको सब्जी वगैरह में यूज़ कर लेंगे। ये पैन चढ़ा दिया है, ये आधे कप से कम चीनी है, इसको डाल देते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें लगभग 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसको एक चिपचिपी चाशनी हमें बनाकर तैयार करना है। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी। चीनी हमारी घुल चुकी है, इसको हमें हल्का सा ही पकाना है, बस चिपचिपा हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है। अब हम इसमें जो तरबूज के बीज का पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इन सब चीज़ों को डालकर हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर गैस को ऑन करेंगे। इसको हम मिला लेते हैं। अब ये जो हमने काजू का पेस्ट बनाया है उसको भी डाल देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, इससे हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये सारा मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। हमें ये तब तक पकाना है जब तक हमें ये ना लगे कि ये जम जाने की स्टेज पे आ गया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। इसमें हम इलायची का एसेंस डालेंगे। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास एसेंस ना हो। मैंने एसेंस डाला है ताकि इसका कलर ख़राब ना होने पाए। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप हाथ में एक छोटी सी बॉल बनाकर देख लें। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रख दें और ये ठंडा हो जाए तो इसकी एक बॉल बना के देख सकते हैं। अगर बॉल बनकर तैयार होती है तो समझिए कि ये जमने के लायक हो चुकी है। अब ये हमारा बैटर बर्फी जमने के लायक हो चुका है। इसको हम कढ़ाई में थोड़ा सा फैला देते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक
बटर पेपर पे डालकर इसको सारा इकट्ठे करके एक बटर पेपर पे डालेंगे और इसको बराबर से दबाकर बटर पेपर को या तो दूसरा पेपर रख लें या इसको ही पलटा दें और बेलन से हमें जितना पतला रखना है उतना पतला बेल लेंगे। किनारे हो सके तो आप बराबर करते रहिए। ये देखिए हमने इसको इतना मोटा रखा है। अब इसके हम किनारे चारों तरफ से बराबर कर देंगे ताकि बर्फी को काटने में आसानी रहे। इसको हम थोड़ा सा और बेल लेंगे। अब हम इसमें चांदी का वर्क बिल्कुल बाजार की तरह लगाकर 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। दो घंटे बाद हमारी ये काजू कतली बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।